आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज वेपर प्रेशर्स ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इन अ मिक्सचर एट 50 डिग्री सेल्सियस आर गिवन इन mm बाय इक्वेशन ये, ठीक है, वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। कैलकुलेट क्या करना है हमें, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 224 ग्राम्स ऑफ बेंजीन एंड 184 ग्राम्स ऑफ टोलुइन। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में क्या इक्वेशन गिवन है, प्रेशर इक्वल्स टू 179 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन प्लस 92। तो सबसे पहले तो हमें इनके प्योर वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो पी नॉट ऑफ बेंजीन कितना होगा, पी नॉट ऑफ बेंजीन में क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगा बेंजीन का वो हो जाएगा 1। इसमें क्या होगा, मोल फ्रैक्शन जो होगा बेंजीन का वो हो जाएगा 1, है ना, प्योर अगर बेंजीन का देखेंगे हम लोग तो प्योर बेंजीन का क्या हो गया 179 इंटू 1 प्लस 92, तो ये आ गया हमारे पास 271 mm। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आ गया। सिमिलरली हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन। तो प्योर टोलुइन अब यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन होगा बेंजीन का वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि प्योर टोलुइन का करें तो बेंजीन हमारा रहेगा नहीं। सो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन जीरो हो जाएगा। सो 179 इंटू जीरो प्लस 92, तो टोलुइन का हमारा कितना आएगा, अब वेपर प्रेशर वो आ जाएगा 92 mm। ठीक है, अब यह हमारा प्योर यानी कि पी नॉट बी आ गया और पी नॉट टी आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है 224 ग्राम्स ऑफ बेंजीन एंड 184 ग्राम्स ऑफ टोलुइन। सो 224 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में कितने मोल्स होंगे, पहले हम लोग मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। सो 224 ग्राम्स ऑफ बेंजीन में नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन वेट यानी कि 224 अपॉन मोलर वेट, बेंजीन का मोलर वेट होता है हमारा 78, तो दिस विल कम आउट टू बी 3 मोल्स। और अब हमें सिमिलरली निकाल लेना टोलुइन का भी मोल्स, तो 184 ग्राम्स ऑफ टोलुइन के नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, गिवन वेट यानी कि 184 अपॉन मोलर वेट, मोलर वेट होगा टोलुइन का 92, सो ये आ जाएगा 2 मोल्स। तो ये हमारे पास मोल्स आ गए बेंजीन और टोलुइन के। अब हम इससे टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे हमारे पास 5, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कितना आएगा इसमें, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन यानी कि मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस टोलुइन, दैट इज 5, सो 3/5 आ रहा यानी कि 0.6। और मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन भी कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 2/5, यह आ गया हमारे पास 0.4। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन का। सो इसके लिए हम लोग पहले इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन क्या होगा, 0.6 यानी कि मोल फ्रैक्शन इनटू क्या होगा, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, प्योर स्टेट में कितना आया था 271, सो ये आ रहा है हमारे पास 162.6 mm। सिमिलरली हम वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे टोलुइन का, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन 0.4 इंटू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टोलुइन कितना है 92, सो 0.4 इंटू 92 इज इक्वल टू 36.8 mm। अब हमें सॉल्यूशन का चाहिए, तो हम दोनों के जो प्रेशर्स है, वेपर प्रेशर्स है, उनको ऐड कर देंगे। सो पी टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास, 162.6 प्लस 36.8, तो ये आ जाएगा हमारे पास 199.4 mm। सो ये आ गया हमारे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर टोटल, दिस विल बी योर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।